तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं डेटाबेस को, फंक्शन को। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है पहले से ही, जिसमें नेम है, सिटी है, सेल्स है, और उसमें नेम के आगे नेम है, सिटी है, सेल्स है, और यहाँ पे साइड में मैंने लिख रखी है सेम वही हेडिंग जो आप वहाँ पे डालोगे। एग्जैक्टली वही होने चाहिए। अगर आपका यहाँ पे नेम स्मॉल में है और इधर कैपिटल में आपने लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आपने जो एग्जैक्टली हेडिंग या नेम वहाँ पे यूज़ किया वही आपको देने पड़ेंगे। तो ये केस सेंसिटिव है, आपने इस पे ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो मान के चलते हैं कि अब जो इस टेबल है, इस पूरे टेबल में से मैं कुछ ढूंढना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने टोटल रैम की सेल्स देखनी है कितनी है, सिर्फ रैम की, और मैं डीसम में जाऊँगा। फॉर्मूला बहुत आसान है इसका, डीसम डेटाबेस। आपको पूरा डेटाबेस हेडिंग के साथ यहाँ पे देना है, कॉमा। फील्ड आप कौन सा देखना चाहते हो, क्योंकि सम की बात हो रही है तो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए सिर्फ सेल्स ही है यहाँ पे। चाहे आप यहाँ सेल्स क्लिक कर दो, चाहे यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आपको एक हेडिंग देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे प्रेस किया कॉमा। उसके बाद एक क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया में मैंने ये सारा हेडिंग के साथ ही खाली सेल्स को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे राम की ये दिखा रहा है 1150 टोटल सेल है। तो हम एक बार चेक कर सकते हैं, राम की 550 प्लस 600 तो 1150 बन गया। अगर ऐसे ही मैं शाम का देखना चाहता हूँ तो ये शाम का भी हमें दिखाएगा। अब मान लीजिए मैं सिटी के हिसाब से देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शाम का जो पटियाला है वहाँ पे क्या है। पटियाला में शाम के सिर्फ 100 सेल है, तो यहाँ पे शाम पटियाला है, तो पटियाला यहाँ एक यहाँ पे है, लेकिन ये नाम डिफरेंट है यहाँ पे। तो ऐसे ही हम शाम की किसी और एरिया में देखना चाहते हैं सेल, तो वो भी हम यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। तो राजपुर में 130 उसने सेल किया। और साथ ही हम सेल्स में भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन 200 हमने देखना हो राजपुरा में, तो अभी कोई नहीं है। ग्रेटर देन 200 शाम की राजपुरा में कोई नहीं है, तो हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हम सबसे पहले तो राजपुरा देख लेते हैं कि उसमें कोई शाम है राजपुरा में। तो ये शाम पटियाला में है, ये अम्बाला में है, तो ये राजपुरा में है, लेकिन ग्रेटर देन 200 नहीं है। तो मान लीजिए मैं लेस देन 200 फाइंड करना चाहता हूँ, तो 130 ने हमें आंसर दिखा दिया। आप चाहे तो यहाँ पे इसको रिमूव करके भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, टोटल राजपुरा में कितनी सेल है या फिर टोटल पटियाला में कितनी सेल है। तो बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है, जब आप इसको यूज़ करोगे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, और दूसरों को भी आप रिकमेंड करोगे कि ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो राम का मुंबई में कुछ नहीं है तो ये ज़ीरो हमें दिखाएगा। तो ऐसे ही डी सम के बाद डी काउंट का फॉर्मूला है, वो भी कुछ ऐसे ही यूज़ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया पहले से कोई, तो सम की बजाय आपने काउंट लिखना है, तो ये काउंट करके बताएगा हमारी सभी वैल्यू को। डेटाबेस के लिए हम सेम वही तरीका, कॉमा। फील्ड जो आप लेना चाहते हो, जैसे आप क्या दिखाना चाहते हो काउंट करके, सिटी, नेम, कुछ भी जो आप चाहें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल्स को फिर से चूज़ कर रहा हूँ, और जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मैंने इसी को दे दिया है। तो अब यहाँ पे राम की सिर्फ 2 यहाँ पे काउंट करके दिखा रहा है सेल्स। ऐसे हम शाम की देख सकते हैं 3 है, मोहन की चेक कर सकते हैं उसकी 4 है। तो मोहन की जैसे हम देखना चाहते हैं राजपुरा में कितनी है, तो कोई भी नहीं है। पटियाला में 2 है, राजपुरा में कोई भी नहीं है। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर चीज़ को काउंट कर सकते हो। टोटल राजपुरा में सिर्फ 3 इसने काउंट की है सेल्स, लेकिन किसकी अगर आप नाम डालोगे तो वो दिखा देगा। तो मैं अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 200 लिख देता हूँ, तो 200 से ऊपर राजपुरा में कितनी सेल्स हैं, सिर्फ 2 ही हैं। और अगर आप टोटल देखना चाहते हो ऊपर, आप डीसम से टोटल भी चेक कर सकते हो। अब देखते हैं हम डी गेट को। डी गेट में मैंने इस टेबल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, मैंने एक नया नाम जोड़ा है, बीना डाली, 200 सेल्स डाली है मैंने इसके अंदर। तो अब जैसे फॉर नेम हम सिटी निकालना चाहते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड ही सर्च करेगा। अगर उस नेम से मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे तो डी गेट का फॉर्मूला कभी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये इस फॉर्मूला की डिसएडवांटेज है। तो हम देखते हैं कैसे यूज़ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बीना को सर्च किया, तो डी गेट मैंने लगाया। डेटाबेस आप पूरा का वही डेटाबेस दे सकते हो, कॉमा।
फील्ड जो भी आप देना चाहो, तो मैंने सिटी चूज़ किया है इसमें, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए मैंने ये दोनों चीज़ें चूज़ कर ली और मैंने यहाँ पे एंटर किया कंप्लीट करने के लिए। तो बीना डाली में है तो इसने हमें दिखा दिया। लेकिन इसके अलावा अगर हम जैसे राम लिख रहे हैं तो राम की अब इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड हैं तो ये हमें एरर देगा, तो यहाँ पे ये फेल हो जाता है फॉर्मूला। तो ये हमेशा यूनिक डाटा को निकालेगा उस या उसके जैसे कोई डुप्लीकेट ना हो उस पर आप इस पर काम कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं डी मैक्स का फॉर्मूला, यानी अगर हमने कोई भी नेम सेल्स या सिटी डाल के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो डेटाबेस में से, तो इसका यूज़ भी कुछ इजी है। तो डी मैक्स आपने लगाना है, डेटाबेस आपको पता ही है आपका हेडिंग के साथ आपने देना है डेटाबेस, कॉमा आपका फील्ड जो आप फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले कराने चाहते हो क्योंकि नंबर वैल्यू है तो हमें सेल्स वाला ही देना पड़ेगा, और क्राइटेरिया में आप ये सारा कुछ दे सकते हो। जब आप एंटर करेंगे टोटल मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 800 है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। अब जैसे मैं राम की सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहता हूँ तो वो 600 है, या फिर मैं शाम की देखना चाहता हूँ तो वो 800 है, अगर मैं मोहन की देखना चाहता हूँ वो 225 है। ऐसे अगर आप सेल्स के अकॉर्डिंग कुछ डालना चाहो डाटा वो भी आप डाल सकते हो, जैसे मैं मोहन की राजपुरा सिटी में कोई देखना चाहता हूँ मैक्सिमम तो अभी कोई नहीं है, तो ऐसे ही हम मुंबई में देखना चाहते हैं तो 120 है मैक्सिमम सेल। तो ऐसे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, लेस देन ग्रेटर देन कोई भी कंडीशन लगा सकते हो तो वो आपको उसका रिजल्ट उसी टाइम देगा। जैसे हमने डी मैक्स यूज़ किया वैसे ही हम डी मिन या डेटाबेस में मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार फिर से नेम लिखा और यहाँ पे हम इक्वल टू डी मिन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेटाबेस आपका वही होगा सेम, कॉमा आपने क्या देखना है, तो मैंने सेल्स को ही यहाँ पे चूज किया है, कॉमा ऐसे हम यहाँ पे डीमिन की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया जो डेटाबेस में है, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे मिनिमम वैल्यू हम डेटाबेस में से कैसे फाइंड करेंगे, डीमिन के फॉर्मूला से, डीमिन डेटाबेस जो है वो आपका यही रहेगा, तो डेटाबेस आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा फील्ड जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो मैंने सेल्स को चूज किया है, और क्राइटेरिया जो है वो हमारा ये सारे सेल्स होंगे। तो आपने एंटर करना है, तो अब जैसे शाम की वो 100 सबसे मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है, ऐसे रवि की सबसे मिनिमम 200 है, बीना की एक ही वैल्यू है तो वो 200 ही रहेगी, ऐसे रवि की भी 200 है सबसे मिनिमम। तो इसमें आप कोई सिटी का कोई कंडीशन ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो कि राजपुरा में रवि की कोई नहीं है, राम की जो है 550 है जो सबसे मिनिमम है, तो हम चेक करते हैं राम की 600 भी है। तो ऐसे हम डेटाबेस के फंक्शन को यूज़ करके अपने रिजल्ट निकाल सकते हैं। थैंक यू।